लेकिन अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि मेगलोटॉन अभी भी जिंदा हो सकती है, क्योंकि आज तक हम समुद्र के बारे में पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं, और हो सकता है कि मेगलोटॉन समुद्र की गहराइयों में चली गई हो और उसको ऐसी जगह मिल गई हो जो उसके अनुकूल हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेगलोटॉन अभी जिंदा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये शायद जिंदा हो, क्योंकि मेगलोटॉन के हालात डायनासोर के जैसे नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड के गिरने से डायनासोर का अंत हो गया था, लेकिन उस समय उनके पास छिपने की कोई भी जगह नहीं थी और इसीलिए वो विलुप्त हो गए। लेकिन मेगलोटॉन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर उस वक्त अत्यधिक ठंडक की शुरुआत हुई थी तो इनके पास इतना समय था कि वो समुद्र में रहने लायक स्थान ढूंढ लें, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और उसमें रहने लायक जगह भी बहुत है।